हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोज करना सीखेंगे। ट्रांसपोज का मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई डेटा हॉरिजॉन्टल है और उसे आप वर्टिकल करना चाहते हैं, या कोई डेटा वर्टिकल है और उसे आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्रांसपोज का यूज करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए आप अपने टेबल को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही पॉपअप मेन्यू आएगा, जिसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कॉपी, या कंट्रोल सी भी कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, या आप होम टैब पर जाकर भी क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां पर भी आप इसे ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो पहले आप उस वाले सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे नीचे इस बटन के ऊपर, और यहां से सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज। पहले तो हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं सिलेक्शन हटाने के लिए। अगर हम अपने इस वाले टेबल को देखते हैं, अब हमारे पास जो ये वाले कंटेंट्स थे, यानी कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और टोटल, वो हॉरिजॉन्टली दिए हुए थे इस टेबल में, और जैसे ही हमने इसको ट्रांसपोज किया तो वो वर्टिकली हो गए। इसी तरह से जो कंटेंट्स हमारे पास वर्टिकली थे और जैसे हमने इसको ट्रांसपोज किया वो हॉरिजॉन्टली हो गए। यानी कि आप सिंपली जो है अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली और वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोज कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। अब सपोज अगर हम अपनी इस वाली टेबल में कोई चेंजेस करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पर D6 वाले सेल में चेंजेस की, अभी यहाँ पर वैल्यू है 8560 और इस टेबल में भी 8560 दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 9000, और जैसे हम यहाँ एंटर प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे जहां पर हमने वैल्यू चेंज किया सिर्फ वहीं पर ही वैल्यू चेंज हुई है, जहां पर हमने टेबल को ट्रांसपोज किया वहां पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपनी मेन टेबल में कोई चेंजेस करें उसका इफेक्ट जो है आपकी ट्रांसपोज वाली टेबल पर भी पड़े, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इस टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमने वापस यहाँ पर अंडू करके अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया, जो वैल्यू यहाँ पर पहले थी वही वैल्यू को हमने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि अगर हम इस टेबल में कोई चेंजेस करें और जो टेबल हमने ट्रांसपोज किया उस टेबल के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़े, यानी कि वहां पर भी वो चेंजेस अपडेट हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप नेम बॉक्स में देखते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर जो आपको डिस्प्ले कर रहा है 8R × 6C, जिसका मीनिंग है 8 रो × 6 कॉलम। यानी कि इस टाइम जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया उसमें 8 रो हैं और 6 कॉलम है, और जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 6 रो और 8 कॉलम्स हो जाएंगे जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 रो और 8 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने जो है यहाँ पर 6 रो और 8 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल्स टू ट्रांसपोज, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसे हमने ट्रांसपोज करना है, फिर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल पर क्लिक करके फॉर्मूला बार में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी यहाँ पर वैल्यूज हैं वो सभी एरे में चेंज हो गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी इस मेन टेबल में चेंजेस करते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 6045 और यहाँ पर भी हमारे पास 6045 है, तो अगर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कोई चेंजेस कर देते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 6500, तो जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने जो है वैल्यू को चेंज कर दिया 6500 में, क्योंकि अब क्या हुआ है इन दोनों टेबल में आपस में लिंकिंग हो गई है। तो अगर आप इस टेबल में कोई चेंजेस करेंगे वैल्यूज में, तो वो चेंजेस जो है वो आपकी इस वाली टेबल में भी अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप इसको सिंपली ट्रांसपोज से लेकर आते हैं, जब आप इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर पेस्ट में जाकर यहाँ से सिंपली करते हैं ट्रांसपोज, तो ये आपकी वैल्यूज और फॉर्मेटिंग दोनों को ट्रांसपोज करता है, यानी कि वो कॉपी कर देता है। बट अगर आप इसे फॉर्मूला के थ्रू ट्रांसपोज करते हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपकी वैल्यू को यहाँ पर कॉपी करेगा, आपका जो फॉर्मेट है उसको वो वहां पर अप्लाई नहीं करता है। थैंक यू।